सच साहस सरोकार। अखिलेश यादव का अयोध्या दौरा स्थगित, बड़ी खबर सामने आ रही है। कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण दौरा स्थगित। 9 जनवरी को रथ यात्रा निकालने वाले थे अखिलेश, अयोध्या और रुदौली में थी जनसभाएं। सपा के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने दी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव का अयोध्या दौरा स्थगित, कोविड के बढ़ते मामलों के चलते दौरा स्थगित किया गया है, बड़ी खबर सामने आ रही है। 9 जनवरी को रथ यात्रा निकालने वाले थे अखिलेश, अयोध्या और रुदौली में 2 जनसभाएं थी। सपा के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने दी जानकारी। अखिलेश यादव का अयोध्या दौरा स्थगित, बड़ी खबर सामने आ रही है। कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण दौरा स्थगित। 9 जनवरी को रथ यात्रा निकालने वाले थे अखिलेश, अयोध्या और रुदौली में 2 जनसभाएं थी। लखनऊ से लखीमपुर कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आशीष मिश्रा की जमानत पर होगी सुनवाई, 11 जनवरी को होगी हाई कोर्ट में सुनवाई, बड़ी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर कांड में मुख्य आरोपी है आशीष। जस्टिस राजीव सिंह ने की मामले की सुनवाई, आशीष मिश्रा के वकील ने मांगा समय, जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय, बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार के काउंटर हलफनामे का के लिए मांगा समय, कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 11 जनवरी दी। सरकार की तरफ से आज विनोद शाही ने रखा पक्ष। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, लखीमपुर खीरी से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आशीष मिश्रा की जमानत पर होगी सुनवाई, 11 जनवरी को होगी हाई कोर्ट में सुनवाई, बड़ी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर कांड में मुख्य आरोपी है आशीष। जस्टिस राजीव सिंह ने की मामले की सुनवाई, बड़ी खबर सामने आ रही है। आशीष मिश्रा के वकील ने मांगा समय, जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय, बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार के काउंटर हलफनामे का करना है, कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 11 जनवरी दी। सरकार की तरफ से आज विनोद शाही ने रखा पक्ष। लखीमपुर से बड़ी खबर, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई, 11 जनवरी को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। लखीमपुर कांड में मुख्य आरोपी है आशीष। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, आगे की तारीख दे दी गई है और समय मांगा है वकील ने, क्या इसमें आगे देखने को मिल सकता है कुछ? देखिए, आशीष मिश्रा की जमानत की सुनवाई जो थी वो पिछले साल भी हुई थी, मतलब दिसंबर में हुई थी, और उसके बाद कोर्ट ने 11 जनवरी की तारीख दी थी। लेकिन आज जो ये सुनवाई हुई है हाई कोर्ट में, उसमें एक बार फिर से अगली तारीख दे दी गई है, 11 जनवरी की तारीख जो है वो दे दी गई है। जस्टिस राजीव सिंह ने मामले की सुनवाई की है और मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के वकील ने सरकार के काउंटर एडवोकेट का जवाब दिया है, जवाब दाखिल करवाया है उन्होंने। लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से जो AAG थे विनोद शाही, उन्होंने भी सरकार का जो पक्ष है वो रखा है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, और महाधिवक्ता विनोद शाही ने इस पूरे मामले को लेकर के सरकारी पक्ष जो है वो रखा है। फिलहाल अब इस जमानत की जो सुनवाई है वो आने वाली 11 तारीख को होगी, पिछले महीने इसकी सुनवाई हुई थी और उसके बाद 6 तारीख को समय दिया गया था, कुछ 6 तारीख को फिर से सुनवाई होगी, लेकिन आज भी इसका कोई नतीजा नहीं निकला है और अब अगली तारीख 11 तारीख दी गई है, देखना ही है कि आगे क्या होता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता नितिन जुड़े थे। खबर सामने आ रही है, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से चालक की मौत। मैंगलगंज मार्ग पर लीला की ये घटना बताई जा रही है, अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी गाड़ी, मृतक के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। वरधान थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से चालक की मौत हो गई है, बड़ी खबर सामने आ रही है। मैंगलगंज मार्ग पर लीला कुआं नहर के पास हुआ हादसा, अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी गाड़ी। यूपी में 12 IAS अफसरों के तबादले, बड़ी खबर सामने आ रही है। MP अग्रवाल मंडलायुक्त देवी पाटन बने, हरि प्रताप शाही विशेष सचिव नियुक्त किए गए, इंद्र विक्रम सिंह DM बलिया बने, राकेश मिश्रा DM अमेठी बने, आदित्य सिंह अपर आयुक्त वाणिज्य कर बने।
अमृत त्रिपाठी बने डीएम आजमगढ़, उमेश प्रताप सिंह बने डीएम शाहजहांपुर। यूपी में 12 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, एमपी अग्रवाल मंडलायुक्त, देवी पाटन बने। हरिप्रताप शाही विशेष सचिव नियुक्त किए गए, इंद्र विक्रम सिंह डीएम बलिया बने। राकेश मिश्रा डीएम अमेठी बने। बड़ी खबर सामने आ रही है, अदिति सिंह अपर आयुक्त वाणिज्य नियुक्त। अमृत त्रिपाठी बने डीएम आजमगढ़, उमेश प्रताप सिंह बने डीएम शाहजहांपुर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।